YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के दबंग रिटायर्ड आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी कांग्रेस में शामिल हुए। लगभग सभी सरकारों के कई मुख्यमंत्रियों की आंख में खटकते रहे। प्रदीप कासनी का मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ भी 36 का आंकड़ा रहा। अपने 34 साल के सरकारी सेवाकाल के दौरान तकरीबन 71 तबादले झेलने वाले प्रदीप कासनी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की विधिवत सदस्यता लेने का ऐलान किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि प्रदीप कासनी जैसे जुझारू, संघर्षशील और ईमानदार व्यक्ति के कांग्रेस में आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। वहीं प्रदीप कासनी ने कहा कि वो राहुल गांधी के संघर्ष और कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अशोक तंवर जैसे नेता के दमदार नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। इनके अनुभव, इनकी क्षमता को कांग्रेस पार्टी एक सही दिशा में चैनलाइज करेगी और सुनिश्चित करेगी कि इनका मान सम्मान और जिम्मेदारी इनको इनकी योग्यता के अनुसार, इनकी क्षमता के अनुसार दी जाए। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती ना केवल इनके जिलों में बल्कि क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने पूरे हरियाणा की सेवा करी, पूरे हरियाणा के अंदर लाभ मिलेगा और पार्टी इसका देश और दुनिया में नाम हो, यहाँ के लोगों का, यहाँ के संस्थानों का, यहाँ की पद्धतियों का, तो उसमें कांग्रेस का जो योगदान है तो वो बहुत बार बार खोल के बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्वतः स्पष्ट है। और इन चीज़ों पे और राहुल जी से मिलके और डॉक्टर साहब से आपको बात करके तो ये ठीक लगा कि हमारा जो उपयोग हो सकता हो जिस रूप में भी तो वो इस्तेमाल करें और हम आपके साथ हैं।